एसोसिएशन और राजस्थान की डायमंड जुबली कार्यक्रम था और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे राजस्थान के जिनको सम्मानित भी किया गया। बहुत ही खुशी की बात है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अभी भी एमओयू साइन भी किए हैं। मैंने इनको कहा कि एमओयू साइन करने के बाद हम सभी मिलकर ये इंश्योर करें कि ये एमओयू इम्प्लीमेंट हो जल्द से जल्द। बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनना चाहिए, उसी ओर राजस्थान को भी बढ़ा रहे हैं। उसमें बहुत प्रयास उन्होंने भी किए हैं और अब राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है दिसंबर में, और उसमें आप देखेंगे पहले ही वर्ष में हम लोगों ने इस तरह की समिट की है, क्योंकि ये इस सरकार का ये उद्देश्य है कि हम जो भी काम करें, चाहे बजट हो चाहे राइजिंग राजस्थान हो, सारा कुछ नजर आए विद इन द नेक्स्ट 4 ईयर। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये पेपर पे ही कार्रवाई हो और एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। तो पूरी तरह से फोकस मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का इस पर है कि सब जो काम हम लोग बोलेंगे उसको करेंगे। नई पर्यटन नीति क्योंकि पिछली सरकार ने 16 पॉइंट इस पर चॉइस दिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, बहुत हमने उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे टूरिज्म हो चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, हर चीज में जो भी यहाँ निवेश करेगा उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, इजी होना चाहिए, वो इधर उधर इधर जाए वो नहीं होना चाहिए। इजिली टूरिज्म डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी होगी जहाँ पर ज्यादातर सारी ही जो उसकी इश्यूज है वहीं पर उसी लेवल पर सॉर्ट आउट, और एक फैसिलिटेशन इजीली हो जाए हर चीज।